हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 रिवेंज ड्रामा मूवीज की। ये जॉनरा उन मूवीज से भरा है जहां मूवी के हीरो या हीरो की फैमिली के साथ बहुत कुछ बुरा होता है, इसलिए कानून को हाथ में लेकर वो फिर अपने या अपने करीबियों के साथ हुए नाइंसाफ का बदला खुद लेता है। इन मूवीज की खास बात ये भी है कि इन कैरेक्टर्स की बदले की आग में हमें खूब सारा एक्शन और काफी सारा ब्रूटल वायलेंस देखने मिल जाता है, जो कि आज की जनरेशन के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। इसलिए इसकी सभी मूवीज आपको हिंदी में भी देखने मिलेंगी, इसलिए बस आप एक एक कर इस लिस्ट से मूवीज को पिक कर इन्हें देख सकते हैं। आई एम 110% श्योर आपको ये सभी मूवीज काफी ज्यादा पसंद भी आएंगी। अगर आप इन मूवीज को डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप इन सभी मूवीज को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो विद ऑल दैट सेड, चलिए हमारा आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 माँ 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को IMDb पर 5.6 की रेटिंग मिली है। मूवी में लीड रोल्स में हमें देखने मिलती हैं ऑक्टेविया स्पेंसर, डायना सिल्वर, जूलियट लुइस और मैककेली मिलर। इस मूवी में हमें कहानी देखने मिलती है एक लोनली वुमेन की, जिसका नाम होता है स्यू एन, एंड इस मूवी में उन्हें माँ के नाम से भी जाना जाता है। माँ एक लोनली एडल्ट लेडी है जिसका ना तो कोई दोस्त है और ना ही उनसे कोई कुछ बात करता है, इसलिए वो सोसाइटी से काफी ज्यादा कट कर रहती है। लेकिन एक दिन उनका सामना कुछ टीनेजर से होता है जो पार्टी करने के लिए उनसे अल्कोहल खरीदने में हेल्प मांगते हैं। माँ उन्हें अल्कोहल खरीदने में हेल्प भी करती हैं, इनफैक्ट उन्हें अपने घर के बेसमेंट में पार्टी भी करने देती हैं, एंड फिर ये टीनेजर्स लगभग रोज आकर उनके घर के बेसमेंट में पार्टी करते हैं। लेकिन जब माँ उनके थोड़े करीब आने की कोशिश करती हैं, तब वो टीनेजर्स उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे माँ के दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाता है। एंड फिर जो वो इन बच्चों के साथ क्या कुछ करती हैं देखकर आप हैरान हो जाएंगे, यानी आपको खुद मूवी देखकर पता करना होगा। नंबर 9 एक्सट्रीम, ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन रिवेंज थ्रिलर मूवी है, जिसे भी आप हिंदी लैंग्वेज के साथ देख सकते हैं। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई है। इस मूवी का IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है, जिसमें हमें कहानी देखते हैं मैक्स नाम के एक असैसिन की। मैक्स एक गैंग के लिए काम करता है, जिसका लीडर मैक्स को अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है। उसका खुद का एक प्यारा सा बेटा भी है, एंड ओवरऑल मूवी की स्टार्टिंग में मैक्स की एक हैप्पी खुशहाल जिंदगी गुजर रही होती है। लेकिन पावर के खातिर उस गैंग के लीडर का बेटा अपने फादर के साथ साथ मैक्स को और उसके बेटे को मरवाने का ऑर्डर दे देता है, में लकीली मैक्स कैसे भी कर सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इस बीच उसके बेटा मारा जाता है। अब मैक्स को बस एक ही चीज चाहिए, वो है उसके बेटे की मौत का बदला। मूवी खास बात ये भी है कि ये मूवी सिर्फ मैक्स के अराउंड ही नहीं, बल्कि इसकी स्टोरी में कुछ ऐसे और भी साइड कैरेक्टर्स आते हैं जिनके साथ हुए ट्रेजिक इंसिडेंट देखकर आप काफी इमोशनल हो जाएंगे एंड आपका भी खून खोल उठेगा। बाकी मूवी में एक कमाल की स्टोरी और खूब सारा एक्शन शामिल है, जिसे आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए। नंबर 8 रैम्बो द लास्ट ब्लड 2019 में रिलीज हुई ये भी एक एक्शन रिवेंज थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जो ऑफ कोर्स हिंदी में अवेलेबल है एंड इसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिल रखी है। ये मूवी कल्ट क्लासिक रैम्बो सीरीज का फाइनल पार्ट है, जो इस माइंड ब्लोइंग फिल्म सीरीज को फाइनली अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचाता है। एंड ऑब्वियसली इस मूवी में भी लीड रोल प्ले किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने। मूवी की स्टोरी हर बार की तरह काफी कमाल की है, जिसमें हम एक बार फिर से जॉन रैम्बो की एक कहानी देखते हैं। इस बार रैम्बो लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खेती बाड़ी में खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसका दिल हमेशा की भी काइंडनेस से भरा है, इसलिए वो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद टाइम टू टाइम करता रहता है। उसके साथ उसकी वाइफ और उसके दोस्त की बेटी रहती है, जो अपने फादर मदर दोनों को खो चुकी है। अब रैम्बो और उसकी वाइफ उसके लिए सब कुछ है। लेकिन एक दिन रैम्बो की बेटी कहीं बाहर घूमने जाती है और वहां से वापस नहीं आती। जब जॉन उसका पता लगाने जाता है, तो उसे अपनी बेटी नहीं सिर्फ उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे कोई ड्रग गैंग ने ओवरडोज देकर मार दिया था। एंड अब रैम्बो वापस अपने किलर अवतार अपनाता है एंड उन सभी ड्रग माफियाज को अच्छा सबक सिखाता है। इस पूरी मूवीज में इतना ज्यादा खून खराबा है, जिसकी वजह से आर रेटिंग मिल रही है, एंड डेफिनेटली इस मूवी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 7 डेथ विश 2018 में आई ब्रूस विलिस की एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है। ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी में हम स्टोरी देखते हैं एक डॉक्टर की, जिसने अपनी जिंदगी में लाखों लोगों की जान बचाई है। एक दिन अचानक उसके घर पर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, जिसमें उसकी वाइफ और उसकी इकलौती बेटी मारी जाती है। वो पुलिस से इंसाफ के लिए मदद मांगता है, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है, जिसकी वजह से उसका कानून पर से विश्वास उठ जाता है और उस जान बचाने वाले डॉक्टर को खुद एक किलर में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। ना वो एक एक कर उस शहर से सभी गुंडे लोगों को मारना शुरू कर देता है और दुनिया समाज की नजरों में वो एक हीरो या फिर एक फरिश्ते के रूप में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। वो ये तब तक करता है जब तक वो अपनी फैमिली के हथियारों को ढूंढकर मौत के घाट ना उतार दे। पूरी मूवी काफी हैवीली एक्शन पैक्ड है। एक जान बचाने वाले डॉक्टर कैसे एक असैसिन बनता है, ये सारी डिटेल्स आपको खुद मूवी देखकर पता करनी होगी। नंबर 6 आई स्पिट ऑन योर ग्रेव लास्ट 2 डेकेड्स में रिलीज हुई ये मूवी जॉनरा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी है, जो कि रिलीज हुई थी 2010 में। आई स्पिट ऑन योर ग्रेव एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अंडर
रेटेड तो है ही एंड ये मूवी हिंदी डबिंग के साथ भी अवेलेबल है। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं जेनिफर नाम की एक नॉवेल राइटर की जो अपनी नॉवेल लिखने के लिए किसी जंगल में नदी किनारे एक कैबिन रेंट पर लेती है। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है जो उसे अकेला देखकर उसका फायदा उठाते हैं, वो उसका रेप करते हैं, फिर उसे अधमरी हालत में वहीं वीरान जंगल में मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जेनिफर एक स्ट्रांग लेडी है तो वह फिर से खुद को संभालती है और वापस आकर उन सभी रेपिस्ट से अपना बदला लेती है, जिसमें उन सभी को इस तरह बेरहमी से मारती है कि वो सब देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस फिल्म सीरीज के टोटल 4 पार्ट्स आए हैं जिनमें आपको इसके एटलीस्ट 3 पार्ट्स को देखने ही चाहिए। ये सभी मूवीज काफी ज्यादा ब्रूटल वायलेंस होल्ड करती हैं। नंबर 5, द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। 2009 में रिलीज हुई एक कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है और ये भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी की कहानी शुरू तो होती है दो लड़कियों के साथ जो अपने एक लड़के दोस्त के साथ उसके घर नशे करने जाती हैं, लेकिन वहां जाकर वो फंस जाती हैं उस लड़की की फैमिली के साथ जो हथियारों से गुंडों से भरी हुई है एंड वो सब मिलकर इन दोनों लड़कियों के साथ बहुत गलत हरकतें करते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की की फैमिली पर जो अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा परेशान है। अननोइंगली वो असॉल्टर उस फैमिली के घर पहुंच जाते हैं किसी हेल्प के लिए एंड वो फैमिली अपनी काइंडनेस की वजह से उन्हें अपने घर में घुसने को अलाउ भी कर देती है। नाउ जब उस फैमिली को पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उनकी बेटी के साथ असॉल्ट किया है, तब इस पूरी मूवी की टोन चेंज हो जाती है। वो इतनी काइंड एंड सिंपैथीफुल फैमिली अब किलर्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड वो किस तरह इस हथियारों से अपनी बेटी का बदला लेते हैं वो सारी डिटेल देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बाकी पूरी मूवी की ड्यूरेशन एक सस्पेंस एंड थ्रिल का माहौल बना रहता है जिससे ये मूवी आपको खुद से बांध कर भी रखेगी। नंबर 4, रिवेंज। 2017 में रिलीज हुई एक और कमाल की एक्शन रिवेंज हॉरर थ्रिलर मूवी जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस मूवी का IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी में आपको टोटल 4 कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। नाउ इस मूवी में हमें कहानी देखने मिलती है जैन नाम की एक लड़की की जो कि एक मिलियनेयर के साथ किसी बीच रेगिस्तान में वेकेशन मना रही होती है। वो मिलियनेयर उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव करता है लेकिन तब तक जब तक उसके दो और मिलियनेयर दोस्त उस फार्म हाउस पर नहीं पहुंचते। अब उन दोनों दोस्तों की जैन को देखकर नीयत खराब हो जाती है एंड हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि ये सब जैन के साथ बहुत गलत कांड कर बैठते हैं। नाउ वो किसी को इस सब के बारे में बताना दे इस डर से वो उसे उस वीरान रेगिस्तान में अधमरी हालत में मरने के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह जैन ये सब सरवाइव कर जाती है। अब एक एक कर वो अपने असॉल्टर्स को मौत के घाट उतारती है एंड ये सब वो इतने बड़े रेगिस्तान में एंड इस गंभीर हालत में कैसे करती है सारी डिटेल्स आपको मूवी देखकर पता लगानी होंगी। ये मूवी भी काफी ज्यादा ब्रूटल सीन्स होल्ड करती है इसलिए लाइट हार्टेड लोगों को इस मूवी से दूर ही रहना चाहिए। नंबर 3, द फॉरेनर। ये 2017 में आई जैकी चैन की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें आपको जैकी चैन का एक काफी सीरियस रूप देखने मिलेगा जो उनकी बाकी मूवीज में काफी कम ही देखने मिलता है। इस मूवी का IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है एंड ये मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल भी है। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं क्वान नाम के एक आम बिजनेसमैन की जो अपनी इकलौती बेटी के साथ एक काफी हस्ती खेलती की जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन उसकी खुशियों पर किसी की नजर लग जाती है जब उसकी बेटी एक टेररिस्ट अटैक में मारी जाती है। जब क्वान को पता चलता है कि वो अटैक किसी पॉलिटिकल इशू के चलते कराया गया था तो कौन अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है उस पॉलिटिशियन को ढूंढने की जिसके इस सब के पीछे हाथ था। मूवी में आपको इतना ज्यादा एक्शन तो देखने नहीं मिलता बट इस मूवी की इमोशनल स्टोरी और जैकी चैन का ही सीरियस अवतार आपको इस मूवी का फैन बना देगा। नंबर 2, लो अबाइडिंग सिटीजंस। एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है जो आई थी 2009 में। इस मूवी में लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे गेरार्ड बटलर और उनके अपोजिट जेमी फॉक्स। इस मूवी का IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है एंड ये हिंदी में अवेलेबल एक काफी पॉपुलर रिवेंज ड्रामा मूवी है। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं क्लाइड नाम के एक आदमी की जिसकी आंखों के सामने कुछ लोग उसकी फैमिली को मार देते हैं एंड अपने पैसों के बल पर वो कानूनी सजा से भी बच जाते हैं। इस वजह से क्लाइड का भी कानून पर से विश्वास उठ जाता है और वो खुद से अपना बदला लेना चाहता है। नाउ इस मूवी का इतना प्लॉट तो ज्यादातर रिवेंज मूवीज से काफी सिमिलर है, लेकिन यहां से ही इस मूवी की सरप्राइजिंग स्टोरी स्टार्ट होती है क्योंकि क्लाइड जिस तरह से उन हथियारों को मारता है वो मूवी में पुलिस के साथ साथ हम ऑडियंस के लिए भी एक मिस्ट्री बनी रहती है जिसके राज इस मूवी के क्लाइमेक्स में जाकर खुलता है। मूवी की स्टोरी से लेकर इसमें कास्टिंग की परफॉर्मेंस तक सब कुछ काबिले तारीफ है। जिसने भी इसे अब तक नहीं देखा उन्हें अपनी जिंदगी में एक बार तो इसे देखना ही चाहिए। एंड फाइनली नंबर 1, म्यूनिक। ये 2005 में रिलीज हुई एक एक्शन हिस्ट्री ड्रामा मूवी है जिसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। ये मूवी डुअल ऑडियो के साथ आपको देखने मिलती है एंड इसे लिस्ट में नंबर 1 पर रखने की मेन वजह है कि ये बाकी सभी मूवीज की तरह एक फिक्शनल स्टोरी पर नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये मूवी 1972 ओलंपिक्स में हुए एक हादसे पर बेस्ड है जिसे ब्लैक सितंबर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन म्यूनिक में चल रहे ओलंपिक गेम्स में कुछ टेररिस्ट ने 11 इसराइली एथलीट्स को हॉस्टेज बनाकर उन्हें खुलेआम मर्डर कर दिया था, जिसके रिजल्ट में इसराइली गवर्नमेंट कुछ मोसाद एजेंट्स की एक टीम प्रिपेयर करती है उन टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए। ऐसा ही कुछ हमें इस मूवी में भी देखने मिलता है। नव ये मूवी उस टाइम पर जूस पर हो रहे अत्याचारों को भी हाईलाइट करती है जिससे इस मूवी को थोड़ी और इमोशनल पावर मिल जाती है। अगर आपने इस मूवी का नाम पहली बार सुना है या अभी तक इसे नहीं देखा तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसे जरूर से देखना भी चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और अगर कोई न्यू मूवी इस वीडियो के थ्रू आपके हाथ लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कहीं से भी चैनल पर नया गए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग न्यूज़ एंड न्यू मूवीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, ओवर एंड आउट।